किससे बात की? कितना नहीं है आप कहाँ से आए? कोई स्टूडेंट उठे सर, मुझे तो बताओ आप बात क्या है सर? सुनिए, खैरिये सुनिए सुनिए, खामोश रहिए सर। बेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हमारी बात कल भी हुई थी, MLA साहब से भी हुई थी, तो उन्होंने बोला आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हाँ हाँ पीसफुली कर सकते हैं, हमने बिल्कुल पीसफुली यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि सारी इंतजामिया से मैं आपके साथ कौन है? मैं हूँ सर। ये सर, ये सर, मुझे दूर रहिए ना, इनकी डिमांड जो थी हमें नहीं पता। ये पहले क्या बोलते थे, स्टाफ की कमी है। हम पिछले चार दिन से मैं खुद लगा हूँ, नोडल से कंटेक्ट करके यहाँ मंगवा रहे हैं। जो स्टाफ में, जिस स्टाफ में, जिस सब्जेक्ट में टीचर हमारे पास नहीं है, नोडल से कंटिन्यूसली कोई लड़का यहाँ मान नहीं रहा है ज्वाइनिंग। अब हम उसका अल्टरनेट कर रहे थे क्लास यहाँ पे। इस वक्त मेरे पास 12-13 टीचर अवेलेबल हैं और क्लास की टाइमिंग है प्रिंसिपल साहब मीटिंग में। देखिए सर, ओके, आपका ये कहना, आपका ये कहना कि हमें स्टाफ की कमी है, नहीं और कोई? एक्चुअली डिमांड ये है कि हमारे, हमें यूनिवर्सिटी सीरियसली नहीं ले रही है। पहले एक बात तो, हमारे एग्जाम टाइम पे नहीं होते बिल्कुल। हमें एक कल अपॉइंटमेंट हुई है पॉलिटिकल साइंस की, अभी देखिए दिसंबर में हमारे एग्जाम है, कितने महीने बचे? दो महीने में हमारा सिलेबस होगा कम्प्लीट, 6 मंथ का सेमेस्टर होता है, 2 महीने क्या हमारा सिलेबस? आप लोग सुनिए, आप हम कहीं बैठेंगे, ये मामला आपके रिजॉल्व करेंगे। जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, आप आइए मेरे साथ ग्राउंड में, कंट्रोलर के साथ हम लाइव बात करेंगे आपके रिजल्ट्स के बारे में, और उसके बाद मैं रजिस्ट्रार से भी बात करूँगा। सच्चा है किसी बात